हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम बैक टू शगुरिका'स क्रिएटिविटी। सो गाइस, आज मैं लेके आई और एक शानदार सी केक की डिज़ाइन। इस केक में जो है मैं फ्लावर बनाना भी सिखाऊंगी, इसके ऊपर कलरिंग स्प्रे भी करूंगी और गनाश अप्लाई करने के बाद कैसे उसको स्प्रेड किया जाता है वो भी सिखाऊंगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो इसकी फाइनल जो लुक है बहुत ही शानदार बनी है और बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी बना सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बेस को 3 स्लाइस में कट कर लिया है, ऊपर क्रीम भी अप्लाई कर दिया है और थोड़ा सी गनाश मतलब थोड़ी सी क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट कम था, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी गनाश अप्लाई कर दिया है। और चॉको चिप्स, ये रहा सेकंड लेयर, इसके ऊपर भी मैंने जो है क्रीम अप्लाई कर दिया है। और क्रीम आपको जो है इवनली अप्लाई करना है ताकि आपकी केक की जो हाइट है वो परफेक्ट रहे, ठीक है। तो मेरे केक की जो क्रीम है वो थोड़ी सॉफ्ट है क्योंकि तब करंट नहीं था इसीलिए, लेकिन फिर भी मैं जो है मैनेज कर लूँगी। तो इसीलिए मैं जो जितने भी होल्स है वो मैं पहले ही फिलअप कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं फाइनल आइसिंग करूँगी तब मेरी केक जो है वो हिले ना, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने जो है गनाश अप्लाई कर दिया है। ये रहा चॉको चिप्स। चॉको चिप्स जब मुंह में पड़ती है ना तो गाइस बहुत ही शानदार सी इसकी टेस्ट लगती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये रहा टॉप लेयर, इसको भी हम लोग जो है थोड़ी ही क्रीम की मदद से पूरी केक को क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो गाइस क्रम कोटिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो अब जब फाइनल आइसिंग करोगे तब दिक्कत आएगी। और मैं जो वॉइस ओवर डाल रही हूँ ना, तो मैं बाहर आके डाल रही हूँ तो थोड़ी सी शोर हो रही होगी, तो थोड़ी सी मैनेज कर लीजिएगा। और ये रहा फाइनल आइसिंग की टाइम। तो मैंने क्रम कोटिंग करने के बाद केक को फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दिया था, क्योंकि केक जो है थोड़ी सी सेट हो गई। उसके बाद मैंने जो है पाइपिंग बैग की मदद से फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जो है पाइपिंग बैग की मदद से क्रम को फाइनल आइसिंग करती हूँ, क्योंकि क्रीम जो है ज़्यादा नहीं लगती और इवेनली केक की चारों ओर जो है अप्लाई होती है। तो पहले हम लोग पैलेट नाइफ की मदद से ऊपर की क्रीम को स्मच करेंगे और साइड की क्रीम मेरे जो फेवरेट है स्क्रैपर, उसकी मदद से हम लोग फाइनल साइड की क्रीम को स्मच करेंगे। ये रहा, आप देख ही सकते हो कितनी स्मूथ सी फिनिशिंग आई है। आप लोग भी स्क्रैपर की मदद से फाइनल आइसिंग करिए और आप लोगों को भी मालूम चलेगा मतलब कैसी होती है। तो ऊपर में जो है एक्स्ट्रा क्रीम हम लोग हटा देंगे, बोलते बोलते मेरे सांस ऊपर उठ गई। तो जितनी हो सके आप लोग फाइनल आइसिंग कीजिएगा, ठीक है, तभी आपकी केक की जो फाइनल लुक है वो शानदार बनेगी जितनी हो सके। और अगर आपकी केक की बेस दिखाई दे रही हो तो उसमें अगर आप अभी क्रीम थोड़ा सा अप्लाई करें और उसके बाद फिर से स्क्रबर घुमाएं, ठीक है। और पैलेट नाइफ की मदद से हम लोग जो है एक पैटर्न बना देंगे, हालांकि ये पैटर्न जो है दिखेगी नहीं क्योंकि हम लोग ऊपर ये रहा गनाश यूज़ करेंगे मतलब पोर करेंगे। तो मुझे थोड़ी ही गनाश चाहिए क्योंकि मुझे जो है ऊपर में ही थोड़ी सी अप्लाई करनी है, तो मैंने गनाश पोर कर दिया है। अब जब भी गनाश पोर करें थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए नाइफ की मदद से हल्के हाथों से आपको जो है स्प्रेड करनी है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करोगे तो आपकी केक की जो है नीचे की जो क्रीम है वो ऊपर आने लगेगी, तो आपको उतनी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो मेरा भी थोड़ा आ गया है, लेकिन इसकी जो ये रहा, क्योंकि मैंने जो है इसी तरह हमने जो है एक पैटर्न बनाना था, तो मैंने जो है जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा किया, क्योंकि ये वाला जो शेड है वाइट और ब्राउन की मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने ले लिया है रोज़ नोज़ल और रोज़ नेल, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बेस बनाएंगे और उल्टा यू बनाते आपको जो है रोज़ बनाना है। और अभी हम लोग स्प्रे करेंगे। ये रहा स्प्रे, मैंने जो है रेड कलर की स्प्रे किया है और एक स्प्रे जो है होममेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्प्रे कर दिया है और इसको हम साइड में रख देंगे। अभी मैं दोबारा दिखा रही हूँ थोड़ी सी। अब देखिए बेस बना दिया है, आपको बेस जो है ठीक ठाक बनानी है, नहीं तो आपकी मतलब फ्लावर जो है वो साइड में हो जाएगी। ये रहा बर्ड, आपको थोड़ी सी बड़ी बर्ड बनाना है। और ये रहा उल्टा यू करते करते आपको जो है पूरी केक की चारों ओर मतलब केक की चारों ओर नहीं, आपको जितनी बड़ी फ्लावर चाहिए उतनी आप उल्टा यू बनाते रहिए, ठीक है। आप देख सकते हो कितनी शानदार सी फ्लावर बनी है। अगर इसी टाइम हमारी क्रीम जो है थोड़ी सी स्टिप वाली होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो है इसमें भी काम चला दिया है। और ये रहा स्प्रे, कितनी मज़ेदार बनी है, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसको भी हम लोग जो है केक में इसी तरह रख देंगे, ठीक है। अभी मैंने ले लिया है वही वाला नोज़ल मतलब रोज़ वाला नोज़ल, इसको
कि चारों ओर जो है वेव वाला डिज़ाइन बनाएंगे इसी तरह। तो बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही सुंदर बनी है। और तो जहाँ फ्लावर है वह तो पत्ते बने मतलब रहना ही है, तो इसीलिए मैंने लिया लिप वाला नोजल और केक के चारों ओर जो इसी तरह पत्ते बना दिया है ग्रीन कलर की शेड में। और ये वाला जो ग्रीन है मैं ग्रीन और येलो कलर की मतलब कलर डाल के ये वाला ग्रीन बनाया है। थोड़ी सी चोको चिप्स ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो गाइज ये रहा मेरा केक, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी नई नई ट्रिक जानने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल यानी कि शाकुरिकास क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी बड़ी मजेदार वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए बाय।